जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र दोष से पीड़ित हैं, धूर्त तांत्रिकों के मंत्रों के दुरुपयोग करने से परेशान हैं, या डायन विद्या से परेशान हैं, डायनों की टेढ़ी नज़र से जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ कि कैसे आप उस तंत्र बंधन को, उस तंत्र दोष को, उस धूर्त तांत्रिक के जो काली विद्या को, डायन के काली विद्या को कैसे आप काट देंगे, आप उसको नष्ट कर देंगे। और जब नष्ट कर देंगे तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाता है और सामान्य जीवन जीने लगता है। तो आपको मैं इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पर बने रहें, और साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गौड़तम प्राचीन तंत्र विद्या के संबंध में जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र को नहीं मानने का दावा करते हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो भुगत रहे हैं, वो जानते हैं कि तंत्र दोष या तंत्र बाधा एक्चुअल में होता है, लोग उससे पीड़ित होते हैं। तो जो भोगता है वही जानता है, इस परेशानी को हर व्यक्ति नहीं जानता। तो आज के इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि उस तंत्र दोष जिसको लगता है वो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, उसको इतना असामान्य फील होता है, उनका शरीर से भी असामान्य फील होता है, और कहीं आने जाने का मन नहीं करता, शरीर में धुकधुकी रहता है, शरीर बेचैन रहता है, मन बेचैन रहता है, शरीर में कंपन लगा रहता है, और कभी कभी तो सोते में और कभी कभी जागते में भी कुछ अदृश्य शक्तियां उनको परेशान करती रहती हैं। रात में भी सपनों में दिखाई देता है, कभी कभी तो काली शक्तियों की हिम्मत और ताकत इतनी बढ़ जाती है कि दिन में भी उनको दृश्य नजर आता है, उन अदृश्य शक्तियों का स्वरूप। तो उन बंधन को पूरी तरीके से जड़ से आप इस विद्या के मार्फत, इस जानकारी के मार्फत और इस मंत्र के मार्फत आप पूरा काट सकते हैं। इस मंत्र के बारे में बताने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि मैंने एक मेरे मुख से, गुरु मुख से जो जाप है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि मोबाइल पे चला के छोड़ दें, इसके बारे में जानकारी दी है। तो इनके बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ये वाकई में काम करता है। लेकिन उन लोगों को मैंने बोला ये हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने ये किया था कि YouTube से वीडियो अपलोड करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद सुन रहे थे, तो उनको रिस्पांस नहीं मिला, उनको वो लाभ नहीं मिला, तो उन लोगों ने फिर ऑनलाइन ही, मतलब उन मोबाइल पे चलाकर सुनना शुरू किया उन लोगों ने, ऑनलाइन ही, डाउनलोड वीडियो को डाउनलोड करके नहीं बल्कि वीडियो को ऑनलाइन ही सुनना शुरू किया, तो उनसे जो उनको आशातीत सफलता प्राप्त हुई वो अकल्पनीय है, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ उनको। तो इसीलिए सोचा तो मैं भी था कि आपके डाउनलोड करने के बाद में भी वो काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आप ये परमात्मा की बातें हैं, वही जान सकता है। तो हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो कि जैसे हम बोलते हैं कि एक मूर्ति जो रखी हुई है जो चैतन्य नहीं है, तो उनके सामने पूजा पाठ करने से वो फल प्रदान नहीं होता जो चैतन्य और प्राण शक्ति डाली हुई मूर्तियों के पास पूजा पाठ करने से, और पूजा पाठ करने के बाद वरदान या वर मांगने से, या अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करने से मिलता है। दोनों में अंतर होता है। शायद यही बात इसमें भी लागू हो सकती है कि जो ऑनलाइन आप जो वीडियो सुनते हैं, जाप सुनते हैं मेरे मुख से, उसमें जो फ़ायदा होता है वो डाउनलोड करके सुनने से नहीं मिलता है, तो शायद ये कारण रहता होगा। चलिए आपको अब मैं विषय पे आता हूँ, अपने मुद्दे पे आता हूँ कि आप यदि तंत्र बंधन, तंत्र दोष से आपके ऊपर लगा हुआ है, आपके परिजनों के ऊपर लगा हुआ है, आपके कोई संबंधी, आपकी जान पहचान के ऊपर लगा हुआ है, तो इस प्रयोग से आप उस तंत्र बंधन को, तंत्र दोष को काट सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रयोग कैसे करना है ये समझ लीजिए, फिर वीडियो के अंत में आपको मैं इस मंत्र को बताऊंगा। आपको डिस्प्ले में मंत्र लिखा हुआ भी दिखाई देगा, आपको कमेंट में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी आप इस मंत्र को लिखकर दे दीजिए, क्योंकि इसको आपको करने के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 21 बार पढ़कर रोगी को अपने सामने बिठा लीजिए, और सरसों के जो दाने होते हैं उसको अपने हाथ में रखिए,
दाएं हाथ में और 21 बार इस मंत्र को, जो मैं बताऊंगा, इस मंत्र को पढ़कर आपको सरसों के दानों को 7 बार ऊपर से नीचे, 21 बार पढ़कर ऊपर से नीचे आपको 7 बार उतारा करना है। एक बार ऊपर से नीचे बाएं तरफ और एक बार दाएं तरफ, इस प्रकार से आपको 7 बार उतारा करना है। उसके बाद उस सरसों के दानों को आपको एक पेपर पे रख लेना है। इसके बाद आप नींबू लेंगे, 7 नींबू लेंगे और 7 नींबू लेकर आपको उसको उतारना है। फिर उसको वैसे ही करना है, 7 बार उतारना, एक एक नींबू पे 7-7 बार आपको उतारा करना है। 4 बार बाएं तरफ और 3 बार दाएं तरफ, इस तरह कर सकते हैं 7 बार। उल्टा भी कर सकते हैं, 4 बाएं तरफ 3 दाएं तरफ। इस प्रकार एक एक नींबू पे 7-7 बार उतारा करने के बाद उस नींबू को, अब साबुत नींबू को उतारा करेंगे और साबुत नींबू का उतारा करने के बाद उस नींबू को फिर काट लें। सभी नींबू को, जो 7 नींबू है, 7ों नींबू को काट लें, उसमें थोड़ा सा देवी बंधन लगा दें। उसके बाद फिर उसको जोड़ दें, कटे हुए नींबू को फिर मिला दें। इस प्रकार फिर इसको एक पोड़िया बना लें और उसके बाद इस जो नींबू और सरसों के दाने हैं इसको कहीं पर निर्जन और वीरान जगह में ले जाकर फेंक आवें। लेकिन फेंकने के बाद आप घर आएं तो फिर आपको मोड़कर उधर वापस नहीं देखना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और साथ ही घर में आने के पहले, घर के मुख्य द्वार पर आने के बाद अपने घर के लोगों को पानी मंगा लीजिए और घर के मुख्य प्रवेश द्वार मतलब बाहर पे ही आप हाथ पांव धोकर अपने पूरे शरीर पे पानी छिड़क दीजिए, ताकि आपकी जो दोष जो लगा हुआ है वो थोड़ा दूर हो जाए, जो अभी आप गए थे उसके लिए। इसके बाद आपको देवी के मंदिर में जाना है और देवी के मंदिर में जाकर वहाँ पे पूजा करें और सामान्य पूजा करें। वहाँ पे फूल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं और जैसे आम तौर पे आप पूजा पाठ करते हैं अगरबत्ती जलाएं, ठीक है, इतना करेंगे आप। अब जो मंत्र है वो समझ लीजिए, जान लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। मंत्र बंधन काट का ये है। ठाकुर देव, दुल्हा देव, मरही माता, शक्तिदाई, तुम्हार नाम के हे दुहाई, सकल बंधनी कट जाई, उल्टा धार उल्टा खप्पर खपल दो, जय भवानी मैहर के महारानी, रतनपुर महामाई, देहूं पूजा तुम्हार, महादेव पार्वती के काटे, सकल बाण विद्या तुरंत कट जाए। यह है मंत्र। इसी मंत्र को आपको इस प्रयोग को करने के लिए, तंत्र दोष को काटने के लिए यूज करना है, प्रयोग करना है। इससे जो भी तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति इस उतारा को करने से सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, सामान्य जीवन जीने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का फायदा उठाकर अपने आप को तंत्र बाधा से मुक्त कर सके और सामान्य जीवन और खुशहाल जीवन जी सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।